नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता न्यूज। कोरोना काल में मरीजों पर एक नई आफत आ गई है। संक्रमित मरीज अब ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। MPM ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके बाद से हड़कंप है। अचानक से आए ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जरूरी दवाओं की किल्लत शुरू हो गई है। भोपाल में एक दिन में ब्लैक फंगस के पीड़ित 7 मरीज भर्ती हुई है। वही दरअसल ये वो लोग हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं और अब फंगस इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। इस पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता फोन लाइन पर दीप्ति अग्रवाल मौजूद है। दीप्ति, क्या है ये फंगस? जी सोनी, कोविड महामारी की दूसरी लहर में जो फंगस सामने आ रही है, जो बीमारी सामने आ रही है, उसे ब्लैक फंगस बताया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि हर दिन बहुत लोग इस बीमारी के लिए डॉक्टरों के पास जाते दिख रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में ये फंगस के मामले, ब्लैक फंगस के मामले काफ़ी तेज़ी पकड़ रहे हैं और काफ़ी मरीज़ ब्लैक फंगस के डॉक्टरों के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस म्यूकर फंगस की वजह से होने वाला दुर्लभ संक्रमण है। मिट्टी, फल, सब्जियों के सड़ने की जगह, खाद बनने वाली जगह, ये म्यूकर फंगस पनपता है। इसकी मौजूदगी मिट्टी और हवा दोनों जगह हो सकती है। इनफैक्ट इंसान की नाक और बलगम में भी ये पाया जाता है। ये डायबिटीज़ के मरीजों या कम इम्यूनिटी वाले लोगों, कैंसर या एड्स के मरीजों के लिए घातक हो सकता है। और इसमें अगर डेथ रेट की बात करें तो 50-60% डेथ रेट रहता है। सुनिए, ब्लैक फंगस या म्यूरोमाइकोसिस म्यूरल फंगस की वजह से होने वाला दुर्लभ संक्रमण है। मिट्टी, फल, सब्जियों के सड़ने की वजह से खाद बनने वाली जगह ये म्यूकर फंगस पनपता है। इसकी मौजूदगी मिट्टी और हवा दोनों जगह हो सकती है। इंसान की नाक और बलगम में भी ये पाया जाता है। इससे साइनस, दिमाग, फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। दीप्ति, बताए कि इसके लक्षण क्या है और ये कहाँ पाया जाता है? सोनी, अगर लक्षण की बात करें तो इस बीमारी में मरीज का नाक बहना, चेहरा सूजना, आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द, खांसी, मुंह के ना भरने वाले छाले, दांतों का हिलना और मसूड़ों में पस पड़ना आदि लक्षण सामने आ रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है सोनी कि ब्लैक फंगस को कोविड के इलाज के दौरान दी गई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात को खुल के पुष्टि नहीं की गई है, पर डॉक्टरों के मुताबिक कम इम्यूनिटी वाले मरीजों में ही इस फंगल के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मरीज जो स्टीरोइड्स पर हैं या जिन्हें डायबिटीज़ है या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजर चुके हैं, उनमें ये फंगस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखे जा रहे हैं। चलिए दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर पेनुरकर के मुताबिक, भोपाल के डॉक्टर के मुताबिक, ब्लैक फंगस के ये केस पहले की तुलना में अब 10 गुना ज़्यादा औसतन पूरे ज़िले में हर दिन एक नया केस सामने आ रहा है, जबकि पहली लहर में ये औसतन एक आता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, नियमों का पालन करें, घर पर रहें और देखते रहिए लाइव कोलकाता। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।